मैंने अपने ताजमहल देखने की जर्नी अजमेर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करी बाय आगरा फोर्ट ट्रेन, जिसने मुझे आगरा रेलवे स्टेशन पहुंचाया। वहां से मैंने ऑटो लिया जिसने मुझे ताजमहल पहुंचाया। वहां पे आप मार्केट का सीन तो देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार था। वहां पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह थी खाने पीने की, और टी स्टॉल्स वगैरह भी थी जहाँ पर आप अपनी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स देखिए। वहाँ से हमें सीधा ही जाना होता है ताजमहल के लिए। यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है। कुछ ही दूरी पे चलने के बाद में आप जो भी अपना लगेज वगैरह लाए हैं, बैग्स वगैरह हैं, वो इस एरिया में जमा करा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, और यहीं से आप ताजमहल का टिकट भी ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद में हमें कुछ दूरी और चलनी होती है। यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना होता है। यहाँ से एक एंट्री गेट होता है जो लेफ़्ट साइड में आप बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से हमें एंट्री करनी होती है। पुलिस चेक करती है लोगों को, देन इसके बाद में एंट्री करने देते हैं वो लोग। ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट से एंटर होने के बाद में आप देखिए, वहाँ से हमें मेन गेट दिखेगा। काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, और ये है हमारा मेन गेट ताजमहल के अंदर जाने का। यहाँ से जो ताजमहल का व्यू आता है वो काफ़ी औसम है। मैं अभी रिसेंटली गया था 28 दिसंबर को 23। सो वेदर काफ़ी फॉगी था। सो ताजमहल का जो व्यू था, जो फर्स्ट व्यू होता है जो मेन गेट से, तो बहुत ही औसम आ रहा था, आप देख सकते हैं। और काफ़ी तादाद में वहाँ पे पब्लिक थी। मतलब इस मेन गेट में एंट्री होते ही लोगों के मोबाइल निकल जाते हैं। और यहाँ से हम मेन गेट से एंट्री होने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो ताजमहल का एक्चुअल व्यू है वो यहाँ से आप देखिए। यहाँ पे काफ़ी गार्डन है, ट्रीज़ वगैरह हैं, मतलब बहुत ही शानदार व्यू आ रहा था। और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पब्लिक आई हुई थी, कोई साउथ से था, और फॉरेनर्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी आए हुए थे। सब सेल्फी और पिक्स वगैरह ले रहे थे यहाँ से, यहाँ पे। और काफ़ी शानदार व्यू था ताजमहल का। ये यहाँ का लेफ्ट साइड व्यू है, आप देखिए। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये है मेन गेट का, तो आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पब्लिक है। और ये ताजमहल का एक्चुअल व्यू। इसके बाद में हम संग्रहालय देखने गए। ताजमहल देखने के बाद में यहाँ पे जो भी ताजमहल की हिस्ट्री है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। इस संग्रहालय में राजा महाराजा की कुछ तलवारें हैं, और पिक्चर के रूप में यहाँ पे कुछ हिस्ट्री बताई हुई है ताजमहल की। और मोबाइल को अंदर ले जाना मना है, इस वजह से हम अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो हमारी जो ताजमहल की जो जर्नी थी तो काफ़ी ऑसम रही। तो आप भी विज़िट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।